हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी रेड्डी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में जो आपके लिए मैं अपडेट लेके आया हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दोस्तों आप लोगों को इंटर्नशिप ऑफर की जा रही है। और ये इंटर्नशिप दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग एक मंथ की भी कर सकते हैं, दो मंथ की भी कर सकते हैं, पूरे तीन महीने की भी कर सकते हैं। आप अपने अनुसार ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितने मंथ की आपको इंटर्नशिप करनी है। इसमें सेलेक्ट होने पर दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड भी ऑफर होने वाला है। हर मंथ आपको यहाँ पे 10,000 रुपीज स्टाइपेंड मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह भी है दोस्तों कि आप में से हर कोई जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, चाहे वो किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट है, किसी भी डिग्री का स्टूडेंट है, किसी भी सेमेस्टर में है, चाहे वो बीटेक कर रहा है, बीसीए कर रहा है, बीबीए कर रहा है, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, आप सब इसमें एलिजिबल होने वाले हो। कैसे इसमें आपको अप्लाई करना होगा दोस्तों, इसका क्या मोड होगा, कंप्लीट डिटेल दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एक और चीज़ दोस्तों, अगर आप इसी तरह के जॉब, इंटर्नशिप और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड अपडेट रहना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे दोस्तों आपको ऐसे अपडेट आसानी से मिल जाएंगे जो कि आपको ऑनलाइन इतने आसानी से पता नहीं चल पाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए दोस्तों डिटेल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो इंटर्नशिप आया है, कौन से डिपार्टमेंट से आया है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट यूज नहीं करना है। ये दोस्तों इसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका नाम है दोस्तों dpiit.government.in, यहाँ पे आना होगा और यहाँ पे अप्लाई करना होगा। यहाँ पे दोस्तों डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ना पब्लिकेशन वाले सेक्शंस पे जाना होगा। यहाँ पे जब आएंगे ना दोस्तों, आपको यहाँ पे इंटर्नशिप स्कीम का एक टैग मिलेगा। जैसे ही आप इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस इंटर्नशिप से रिलेटेड सारी जानकारी सामने आनी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने बताया है कि इसके लिए कौन से लोग एलिजिबल होने वाले हैं। तो जैसा इन्होंने लिखा है दोस्तों कि अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप अभी रिसर्च स्कॉलर हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आगे मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ, लेकिन इस तरह की एक और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अगर आप दोस्तों अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पास आउट हो चुके हैं, या फिर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि आपको अच्छे पैकेज की जॉब चाहिए, मतलब जिसमें आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिले, तो दोस्तों पीटीएम अभी हायरिंग कर रही है। ये देख नहीं रही है दोस्तों कि आपने कितना परसेंटेज लाया है, किस कॉलेज से अपनी पढ़ाई की है, कौन से बैकग्राउंड के आप स्टूडेंट हो। अगर आप दोस्तों पीटीएम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों एक टेस्ट आपको अभी देना है, जो कि रीलेबल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, ये टेस्ट पूरी तरीके से फ्री होने वाला है। इसमें अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो भी कोई फीस नहीं देनी है, सेलेक्ट हो जाएंगे तो भी आपको कोई फीस नहीं देनी है। आपको एक एग्ज़ाम देना है और एक अच्छा स्कोर लाना है। स्कोर कैसे अच्छा लाएंगे दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसी प्लेटफॉर्म पे दोस्तों कई सारे आपको पहले जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उनका सैंपल पेपर मिल जाएगा। मॉक टेस्ट आप यहाँ पे दे सकते हो, जहाँ पे आप उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो कि इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप इस टेस्ट को देते हो, तो आपको दोस्तों यहाँ पे मिनिमम 6 LPA का तो पैकेज मिलेगा ही मिलेगा, अगर टेक्निकल रोल के लिए आप सेलेक्ट होंगे तो। और पैकेज दोस्तों यहाँ पे 40 LPA तक का जाता है। कई ऐसे स्टूडेंट दोस्तों जो कि tier 2 tier 3 में पढ़ते थे, जिनके कॉलेज में इस तरह की कंपनियां नहीं जाती थी, इस प्लेटफॉर्म में दोस्तों एग्जाम देके इंडिया की टॉप कंपनी को ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे शेयर किए हैं, जरूर इस एग्जाम के लिस्टेड करिएगा और जरूर एग्जाम को दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके आने वाले करियर में ये एग्जाम काफी ज्यादा फायदा आपको दे सकता है। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों यहाँ पे जो हमें इंटर्नशिप का नोटिफिकेशन DPIIT की तरफ से देखने के लिए मिल रही है, इसके बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं दोस्तों, जैसा इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि आप 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ की इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लें दोस्तों इसकी लास्ट डेट क्या होगी, कोई भी लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को आज से 2 महीने बाद देख रहे हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो इंटर्नशिप होती है वो लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप अभी अप्लाई करते हैं और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो आप इस मंथ के लिए इंटर्नशिप कर पाएंगे, और अगर शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं तो फिर दोस्तों आपको नेक्स्ट मंथ पे इंटर्नशिप मिल सकती है। कोई भी लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है। बात कर ले कौन से ब्रांच वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे, कौन से डिग्री वाले, तो आप एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इंजीनियरिंग के अगर आप स्टूडेंट हैं, बीटेक आप कर रहे हो, या फिर आप MEMTech कर रहे हो, डिप्लोमा के आप स्टूडेंट हो, आप अप्लाई कर सकते हो। मैनेजमेंट के हो, लॉ के हो, इकोनॉमिक्स के हो, फाइनेंस के हो, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कि BCA कर रहे हो, MCA कर रहे हो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई आप पढ़ाई कर रहे हो, आप इसमें एलिजिबल होने वाले हैं।
अब इसके बाद बात कर ले दोस्तों कि यहाँ पे आपको स्टाइफंड ऑफर होगा कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने साफ साफ बताया दोस्तों कि आपको यहाँ पे पेड इंटर्नशिप मिलने वाली है, जिसमें आपको हर मंथ 10,000 रुपये स्टाइफंड देखने के मिलेगा। और यहाँ पे बात कर लें कि यार आपको पीरियड ऑफ इंटर्नशिप में क्या फ़ायदा होने वाला है और कितने मंथ का इंटर्नशिप करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ का कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें मेंशन रहेगा कि आपने यहाँ पे 1 मंथ का इंटर्नशिप किया था, 2 मंथ का इंटर्नशिप किया था कि 3 मंथ का इंटर्नशिप किया था। अब अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होगा और क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे DPIIT के अलग अलग जो इनके डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में दोस्तों इंटर्न्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो हर डिपार्टमेंट के जो टॉप अथॉरिटी होंगे उन्हें ये डिसाइड करना है कि उन्हें कितने इंटर्न्स की ज़रूरत है। मतलब अगर आप दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड किसी इंटर्नशिप को करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो इनका कंप्यूटर साइंस वाला डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे जो उनके हेड होंगे उनके पास ये नोटिफिकेशन जाएगा कि आपने यहाँ पे अप्लाई किया है। और अगर उन्हें रिक्वायरमेंट लगती है, आज लगती है या फिर 1 महीने बाद लगती है, तो वो दोस्तों आपको शॉर्टलिस्ट करके आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपको फिर इंटर्नशिप मिल सकता है। तो इसी तरीके से दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 20 इंटर्न्स को हायर किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि आपको अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पे इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका मिलेगा। बात करें दोस्तों कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जिसके बाद आपके सामने ये फॉर्म आएगा दोस्तों। यहाँ पे आप नीचे आएंगे ना तो क्लिक हियर टू अप्लाई इंटर्नशिप स्कीम का एक आपको लिंक मिलेगा, जिस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म सामने आ जाएगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे सारी डिटेल को आपको डालना है, जैसे कि नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, इसके अलावा आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशन डिटेल, और इसके बाद आपको वेरीफाई कोड पे क्लिक कर देना है। सारे डिटेल को जब आप यहाँ पे फिल कर देंगे, अगर आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपने जो भी अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डाला है, ईमेल आईडी डाला है, उस पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और फिर आगे चल के आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा, फिर आपको यहाँ पे इंटर्नशिप ऑफर कर दी जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू।